हरिद्वार में बीते महीने फैजान इलेक्ट्रॉनिक्स में दीपावली की रात चोरों ने दीवार तोड़कर लाखों रुपए का सामान और नकदी पर हाथ साफ करके फरार हो गए थे। वहीं इस चोरी के संबंध में थाना बहराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको लेकर पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही थी। वहीं इसी क्रम में SSP प्रेमेंद्र डोभाल ने उन चोरों को पकड़ने के लिए सख्त निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही थाना अध्यक्ष नरेश राठौर की पुलिस टीम ने वारदात को अंजाम देने वाले चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। और बता दें कि उन्होंने खरीदारी और चोरी किए गए माल को भी पकड़ा है। पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए के मोबाइल भी जब्त किए हैं। उन्होंने अन्य मोबाइलों की एसेसरीज भी बरामद की है। बता दें कि पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और चोरों को पकड़ा है। थाना बहादुराबाद क्षेत्र में मोबाइल शॉप से दीपावली की रात को कुछ महंगे मोबाइल चोरी की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसने पुलिस में तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने इस मामले को पंजीकृत किया था। और इसमें जो आगे की कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस के द्वारा इसमें अभियुक्तों को पकड़ा गया है और 457-380 में इसमें अभियोग पंजीकृत क्योंकि किया गया था, उस पर आगे कार्रवाई करते हुए 40 से ऊपर मोबाइल मिले हैं जिनकी कीमत करीब 7 लाख से ऊपर की है। इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल इसको कार्रवाई को करते हुए लगभग सारा ही सामान रिकवर किया गया है। मेरी ओर से इसमें जो आवश्यक जो रिवार्ड है वो पुलिस टीम को दिया गया है।